यहाँ पर एक दूसरा बिल्डिंग है स्कूल की, अतिरिक्त कक्ष शास प्रथात शाला टिकापार। शिक्षाएं तो बहुत अच्छी दे रखी है यहाँ पे, लेकिन शिक्षा का पालन पूरी तरीके से नहीं होता है। कहते हैं कि पढ़ना लिखना सबका हक, ये अधिकार मिला है अब। अधिकार तो मिल गया है, मगर उसका कल हम इनसे मिल चुके हैं, मास्टर जी से। आज हम इन मास्टर जी के स्कूल को बीच में ले रहे हैं। ये क्लास फिलहाल अभी खाली है। यहाँ पर जो सी सुविधाएं प्रदान होती हैं, वह बताया जाता है कि दोपहर का भोजन, निशुल्क गणवेश, निशुल्क पाठ्य पुस्तक, राज्य छात्रवृत्ति। बेटे कितने पैसे मिलते हैं तुम्हारे को? कुछ मिलते हैं पैसे? मेरी सा कितने 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 मिलते हैं? 400 रुपये का? कितना, साल में एक बार? हाँ? तो इस बच्चे ने बताया कि 400 रुपये का साल में एक बार एक चेक मिलता है। बालिका प्रोत्साहन, ब्रिज कोर्स, शाला पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय, इको क्लब, बालिका एससी एसटी साइकिल। तो इको क्लब और ब्रिज कोर्स, इनके बारे में थोड़ा सा हमारे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से इनको प्राप्त हो रही होंगी। और ये मास्टर जी से हम मिल चुके हैं, जब हम कल आ रहे थे तो इन्हीं के साथ आए थे ये इस स्कूल में। ये मास्टर जी नमस्कार। तो ये कौन से क्लास तक का ये स्कूल है जी? पांचवी तक का। पांचवी तक का? अच्छा, ये निगम है, वो आगे वाला 8वीं तक का है। अच्छा 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 तो आप कितने, 3 आदमी की यहाँ पे ड्यूटी है? आपकी और दूसरे कौन है? आपका क्या नाम है जी? महेश नेमा। महेश नेमा, तो आप प्राइमरी स्कूल को पढ़ाते हैं? आपको जो स्केल मिलता है सरकार से मिलता है? जी। ठीक है, तो आप बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं पूरा? जी, ध्यान जरूर दें। देखिए, आपकी जिम्मेवारी इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ के बच्चों के माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है ना? तो जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो घर में तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो कुछ करना है अभी को करना है, और एक अच्छा नागरिक बनाने में आप उनकी नींव को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। लेकिन हमने जो देखा है गाँव में घूम करके कि वो योगदान प्राप्त कम हो रहा है। लेकिन हम कह ही सकते हैं, क्योंकि हम आपके पास तो बैठेंगे नहीं, चले जाएंगे। लेकिन आप अपना दायित्व को समझते हुए कोशिश करें कि कुछ नहीं सर, कुछ बनाए। आपका शुभ नाम जी? राम गोपाल कौरव। राम गोपाल कौरव आपका नाम है, और आप भी दोनों टीचर हैं यहाँ पे, और सरकार की तरफ से तो आपको अच्छा खासा मिल रहा है। और आपसे भी हमारी यही गुजारिश है, हम ये नहीं पूछेंगे कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम केवल गुजारिश करेंगे कि आप अपने दायित्व को निभाएं कि बच्चे यहाँ करके भी कुछ थोड़े से निकल पाए, ताकि वह भी अच्छे नागरिक बन सकें। तो उम्मीद करते हैं कि ये ग्रामीण अध्यापक अपना फर्ज निभाएंगे। हम कहेंगे हाँ कर देंगे, हर कोई हाँ ही करता है, लेकिन अगर ये दायित्व को समझेंगे तो ये बखूबी निभाएंगे। छोटे बच्चे हैं, मैं इनको दिखला रहा हूँ आपको, और यही इस गांव का पुस्तकालय भी है, और बच्चे भी पढ़ते हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे ये? 60? इस समय जितने भी हैं, मतलब टोटल 60 हैं आपके पास में? कुछ जो आज आए नहीं हैं, कुछ आ गए हैं, तो ये सब मतलब जो है वो 5वीं तक के हैं। इस समय कौन सी क्लास के मिक्स है सारे? ये सब मिक्स है। मिक्स है, तो फिर इनकी पता कैसे लगे? एबीएल क्लास के कारण। अच्छा 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 4 क्लास है यहाँ, 7 लगते हैं। अच्छा, इसमें यानी कि एबीएल के बंदे बच्चे भी हैं क्या? एबीएल के बच्चे हैं। अच्छा, तो 4 क्लास 7 लगती है, 5वीं भी आज बिठा लें तो। अच्छा अच्छा, एबीएल के अलग हैं और बीपीएल के अलग हैं? नहीं सर, एबीएल नई योजना है। अच्छा, नई योजना है, तो इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, अबाउ द लेवल या फिर बिलो द लेवल, ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये बच्चे अलग हैं, वो अलग हैं। चलो, ये हमने आपको दिखलाया, फिर भी चलो बहुत अच्छा है। जब यहाँ कुछ नहीं था, वहाँ कुछ है, और उम्मीद है कि आने वाले सालों में कुछ और अच्छा होगा। यही समाचार मैंने अभी आपको दिया, अगले समाचार के लिए कुछ समय के बाद मिलते हैं।